Assalamu alaikum, my good students. How are you all? I hope all of you are fine, safe and sound and staying home. Please take care of yourself and your family as well. And pray to Allah Almighty, may we will come through this difficult situation. This is not a very good situation. We are staying, but we are not satisfied and contented by heart. So please pray for yourself, for your family, and for the whole country and whole nation as well. Lectures तो चलते ही रहेंगे, start होते रहेंगे. आप लोगों ने free भी रहते हैं. जब इंसान free रहता है तो बहुत ज़्यादा ऐसी परेशान सी situation create हो जाती है that everyone will get bored and think negative like about the situation. इसलिए ये अच्छा है कि आप लोग थोड़ा बहुत घर बैठ के पढ़ लेते हो. तो बच्चों, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी लेक्चर के लिए या किसी भी जो भी मैं आपको करवा रही हूँ काम के लिए, यू कैन आस्क मी. यू आर ऑलवेज़ वेलकम. ग्रुप में पूछो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछो, कहीं भी पूछो, यू आर ऑलवेज़ वेलकम. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ यूनिट नंबर 7 एंड दैट इज़ सुल्तान अहमद मस्जिद. ये मस्जिद है टर्की में. टर्की इज़ ऑल्सो एन इस्लामिक कंट्री ना, तो ये वहाँ पे है इस्तांबुल में, इन द कैपिटल ऑफ टर्की. और मस्जिदें पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा प्यारी खूबसूरत बनाई जाती हैं. और इस्पेशली ये जो मस्जिद है सुल्तान अहमद मस्जिद, ये भी एक टर्की में बहुत प्यारी मस्जिद है. और इट इज़ अ वेरी फेमस because of its in splendid architecture. बहुत इसको beautiful create किया गया, architect किया गया, इसलिए ये बहुत मशहूर है. So अभी मैं आपको translation करवाऊँगी, translation के साथ साथ ही आपको explain करती जाऊँगी. Hope you will all get me. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Ahmed Masjid. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. So Sultan Ahmed Masjid jo hai na duniya ki most, one of the most, sabse zyada mutasir kun, impressive mutasir kun monuments, yaadgaron mein se hai in the world, duniya ki. So Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Masjid Sultan Ahmed duniya ke sabse zyada mutasir kun, impressive mutasir kun yaadgaron mein se ek hai. It is also known as the Blue Masjid. Ye Blue Masjid ki taur pe bhi jani jati hai. Isko matlab neeli masjid ke naam se bhi jana jata hai, non jana jata hai, because of the blue tiles. Kyunki iske andar blue tiles lagayi gayi hain that embellish, जो कि एम्बेलिश मीन सजाती हैं इट्स इंटीरियर, इसका जो अंदरूनी हिस्सा है, इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा. सो इसकी जो नीली टाइलें हैं ना, जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं, उसकी वजह से इसको नीली मस्जिद भी कहा जाता है या नीली मस्जिद के नाम से जानी जाती है. सिचुएटेड वाकया है इन इस्तांबुल. इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, जो कि टर्की की सबसे बड़ी, तुर्की की सबसे बड़ी बड़ा शहर है. एंड द कैपिटल ऑफ ओटोमन एम्पायर. ओटोमन एम्पायर, ओटोमन उस्मानिया सल्तनत, एम्पायर सल्तनत और कैपिटल दारुल खलाफा. तो ये सल्तनत उस्मानिया का दारुल खलाफा फ्रॉम 1453 टू 1923. इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. इस टाइम में ना इट हैज़ बिकम, अब ये जो है ना मस्जिद, टूरिस्ट बोलते हैं सयाहों को जो सैर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी जगह मतलब जो अट्रैक्शन फील करते हैं डिफरेंट जगहों पर जाके सैर करने के लिए. तो पॉपुलर, हर दिल अजीज अट्रैक्शन, पुरकशिश. सो तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल, जो कि 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा था. ये जो था ना इस्तांबुल दारुल खिलाफा था सल्तनत उस्मानिया के दौर में 1453 टू 1923. और इसमें ये वाकया मस्जिद सयाहों के लिए, तो इस्तांबुल में है तो ये सयाहों के लिए हर दिल अजीज और पुरकशिश मस्जिद बन गई. इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616. तो ये कब तमीर की गई, कंस्ट्रक्टेड तमीर की गई
इस मस्जिद की तामीर कब की गई? बिटवीन 1609 एंड 1616, 1609 से 1616 तक, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन, अहमद अव्वल वन, इसको अव्वल बोलते हैं, अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में हुई। एज वॉज अ कस्टम, रिवाज के मुताबिक, दिस मस्जिद लाइक द अदर मस्जिद ऑफ द टाइम, ये मस्जिद रिवाज के मुताबिक, दिस मस्जिद, ये मस्जिद दूसरी मस्जिदों की तरह, ऑफ दैट टाइम, उस जमाने की दूसरी मस्जिदों की तरह, कंप्राइजेज, मुश्तमिल थी, अ टॉम्ब ऑफ द फाउंडर, जिसने उसको बनाया, उसके मकबरे को पर, और अ मदरसा, उसमें एक साथ मदरसा भी बनाया जाता था, और हॉस्पिस, हॉस्पिस मुसाफिर खाने को बोलते हैं। तो ये मस्जिद दूसरी मस्जिदों की तरह, उस जमाने की दूसरी मस्जिदों की तरह, उसमें बनाने वाले को, बनाने वाले का मकबरा बनाया जाता था, फाउंडर बानी, एंड मदरसा और हॉस्पिस उसका वो बनाया जाता था, मदरसा और मुसाफिर खाना भी बनाया जाता था उसी मस्जिद के अंदर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद, मुसाफिर खाना बोल देना, जो एक मतलब मुसाफिर ठहरने के लिए उनको कोई जगह नहीं मिलती थी, तो वो फिर मस्जिद को उस हिस्से में, जो कि मुख्तस किया गया था उस जगह के लिए कि जब मुसाफिर कोई आए उसको रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए तो वो मस्जिद में रह सकता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609, तो कंस्ट्रक्शन जो तमीर इसकी थी ना, वो 1609 में तमीर इसकी शुरू हुई। द रॉयल आर्किटेक्ट, जो शाही मुअम्मार, मुअम्मार आर्किटेक्ट बनाने वाले को बोलते हैं, सदेफर महमत आगा, इसका नाम सदेफर महमत आगा था, जो रॉयल आर्किटेक्ट था, वॉज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान, इसको सुल्तान ने इस मंसूबे के लिए निगरान मुकर्रर किया, अपॉइंटेड मुकर्रर किया, एज इन चार्ज, निगरान के तौर पर, ऑफ द प्रोजेक्ट, इस मंसूबे के लिए। सो जो रॉयल शाही मुअम्मार था, सदेफर महमत आगा, वॉज अपॉइंटेड, तो उसको इसके लिए मुकर्रर किया गया कि सुल्तान की तरफ से मुकर्रर किया गया कि आप इसको इंचार्ज करोगे, इसको निगरानी करोगे इस प्रोजेक्ट की जो मस्जिद बनेगी। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616, ओपनिंग सेरेमनी, जो इसकी इफ्तिताही तकरीब, जो इसको जब शुरू किया गया ना मस्जिद को, जब से ये बनाएगी, तो ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616, 1609 में शुरू हुई, 7 सालों में मस्जिद बनी, और 1616, हाँ जी, 7 सालों में बनी, और फिर इसको 1616 में इसकी इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई। एंड अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी द कम्प्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ, जिसने इसको ऑर्डर किया था ना मस्जिद को बनाने के लिए, तो बदकिस्मती से जब वो मुकम्मल हुई उसकी तामीर, तो वो उस वक्त मौजूद नहीं था, उसकी डेथ हो गई थी। कम्प्लीशन उसकी मतलब उसकी कम्प्लीट तकमील या मुकम्मल होते हुए मस्जिद को अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सका, वो फोत हो गया था। इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन, तो सक्सेसर बोलते हैं जानशीन, जैसे एक नस्ल से दूसरी नस्ल, या एक वजीर आजम के बाद जो वजीर आजम आए उसको सक्सेसर बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत, तीसरी हुकूमत, तो जो अगली हुकूमत की, वो जो पिछली हुकूमत होती है वो सक्सेसर होती है, ठीक है। इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन, तो इसके जो जानशीन हैं मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में ये मुकम्मल हुई। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ द ऑटोमन मस्जिद एंड बिजेंटाइन चर्च, सो ये जो मस्जिद है ना, रिफ्लेक्स, अकासी करना, रिफ्लेक्स मीन्स अकासी करना, तो आर्किटेक्चरल स्टाइल इसको बोलते हैं, फन तामीर, जो तामीर करने का स्टाइल होता है, फन होता है, ऑफ बोथ द ऑटोमन मस्जिद, सुल्तनत उस्मानिया के दौर में जो मस्जिदें होती थी उसकी, और एंड बिजेंटाइन चर्च, और बिजेंटाइन जो चर्च थी ना, चर्च भी उस टाइम में बहुत प्यारे बनाए जाते थे सुल्तनत उस्मानिया में, और उसके बाद जो बेजेंटाइन का दौर था, इट वाज जस्ट द नेम ऑफ दैट टाइम्स एरा, उस टाइम का जो नाम था चर्च का, उसमें वो मतलब उसकी अकासी करती थी, उसके जो आर्किटेक्चरल फन तामीर की। आया सोफिया अ मस्जिद, इस इज आया सोफिया अ मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, तो आया सोफिया जो है थी एक मस्जिद का नाम था, जो कि मुस्लिम तर्ज तामीर, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम तर्ज तामीर के अजायबात, वंडर्स मीन्स अजायबा या अजूबा, अजायबात में से एक थी ये मस्जिद थी, आया सोफिया की बात हो रही है। वॉज ऑल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल, तो इसको भी नजर में रखा गया था एक नमूने के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर, कि इसको भी देख, इस मस्जिद को भी देख देख के बाद में इस नीली जो मस्जिद थी, ब्लू मस्जिद, वो तामीर की गई थी। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसिडर्ड टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मेजेस्टी एंड साइज, तो जो ब्लू मस्जिद है ना, आज भी समझी जाती है इसको
टू बी अनमैच्ड, जिसकी कोई मिसाल नहीं होती, बेमिसाल, इन स्प्लेंडर, उसकी शान व शौकत. स्प्लेंडर मीन शान व शौकत, मेजेस्टी मीन्स अजमत, एंड साइज मीन उसकी जो साइज या उसका जो हुजम है उसके एतबार से नीली मस्जिद आज भी बेमिसाल जानी जाती है, उसको आज भी बेमिसाल समझा जाता है. द मस्जिद हैड अ स्पेशियस फोर्ट कोर्ट सराउंडेड बाई कॉन्टीन्यूस वॉल्टेड आर्केड. तो मस्जिद का जो स्पेशियस फोर्ट कोर्ट है, मस्जिद का जो इतना वसी, स्पेशियस मीन बहुत बड़ा फोर्ट कोर्ट, उसका सेहन सराउंडेड बाय, इसके घिरा हुआ है, सराउंडेड इर्द गिर्द उसके क्या है, बाय कॉन्टीन्यूस वॉल्टेड आर्केड, ऐसे ऐसे मेहराब थे, मेहराबी के तारों से, लाइक इसमें भी आई थिंक पिक्चर में होगा, ये देखो ऐसे ऐसे हर तरफ यही डिजाइन बनाया गया था, ये मेहराब इसको बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्टेड आर्केड, मेहराबी कितारों से भरा हुआ था, गिरा हुआ था. इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटीज ऑन बोथ द साइड, इसमें वजू की, एब्लूशन बोलते हैं वजू को, सहूलतें थी ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ, इन द सेंटर दरमियान में, देर इज अ फाउंटेन विच इज रादर स्मॉल इन कॉन्ट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड. तो फाउंटेन किसको बोलते हैं, फवारा, जो कि उसके लिए खूबसूरती के लिए लगाया गया था, विच इज़ रादर स्मॉल, वो थोड़ा सा छोटा था, कदरे छोटा, थोड़ा सा छोटा था, कॉन्ट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड, जितना उसका साइज था ना सेहन का ऑफ द कोर्ट यार्ड, बहुत बड़ा था, उसके एतबार से वो कह रहा है कि फवारा जो उसमें फाउंटेन लगाया गया था वो बहुत छोटा था, थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं, बस थोड़ा छोटा लगता था, कम लगता था साइज में. अ हैवी आयरन चेन इज हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस एट द वेस्टर्न साइड. तो अ हैवी आयरन चेन, एक बहुत बड़ी मतलब लोहे की वजनी जंजीर, अ हैवी आयरन चेन, लोहे की वजनी जंजीर, इज हंग, लटकी हुई है एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस एट द वेस्टर्न साइड, मगरिब की जानिब ना, वेस्टर्न साइड, मगरिब की जानिब जब एंट्रेंस होती थी उस मस्जिद की, आप डायरेक्शन बता रहे हैं कि वेस्टर्न साइड मगरिब की जानिब जो वो एंट्रेंस थी उसके दरमियान में ना ऊपर करके एक वो भी लगाया गया था, काफी बड़ी आयरन की चेन भी लगाई गई थी ताकि वो जो भी आए उसके ऊपर उसको नजर पड़े तो वो स्प्लेंडेड, बहुत ज्यादा उसके तर्ज तमीर में हर चीज को दिखा देता. जैसे आजकल हम घरों को डेकोरेट करने के लिए घर के बाहर या घर के गैरेज वगैरह में जब एंट्रेंस होती है वहां को बहुत डेकोरेट करते हैं, लाइक शैंडलियर लगाते हैं और इस तरह की चीज़ों से अपने घरों को ऑर्नामेंट करते हैं. मस्जिदों में जैसे आप लोगों ने अक्सर देखी होगी बहरिया मॉस्क, उसमें काफ़ी सारे वो लगे हुए हैं, शैंडलियर्स लगे हैं, तो आप उनको देखते हो जब छत पे आपकी नज़र पड़ती है तो इतनी ब्यूटीफुल लाइट्स आपको नज़र आती हैं, बट वहाँ उस टाइम में इतनी ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ लाइट्स वगैरह की नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी हैवी चेन डेकोरेशन के लिए लगाई गई थी. यू कैन चेक, यू कैन गूगल द ब्लू मॉस्क That is situated in Istanbul, Turkey. आप देख सकते हो उसकी पिक्चर्स, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी वो खूबसूरती से बनाई गई थी. So the chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. तो chain, इस chain की जो नहीं ये मैं लाइन छोड़ गई, द साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन. तो ये जो साइड थी ना जहाँ पे जंजीर लोहे की आयरन चेन लटकी हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए ही थी, मखसूस थी. एंड द चेन वॉज पुट देयर, वो चेन इसलिए लटकाई गई थी सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, ताकि सुल्तान जब भी अपने सहन में दाखिल हो, और एवरी टाइम, हर दफ़ा जब भी वो अपने सहन में दाखिल हो, मस्जिद में दाखिल हो, ही इंटर द कोर्ट, तो वो अपना सर झुकाए, लोअर हिज़ अपना सर झुकाए, ठीक हो गया, उसको अपना सर झुकाना पड़े हर हाल में. इट वॉज अ सिम्बोलिक जेस्चर, ये अलामती था, अलामती इशारा था, टू एंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर. तो ये एक ऐसा अलामती इशारा था कि बादशाह भी अपने रब के सामने आजिज़ी को यकीनी बनाए, डिवाइन पावर, अल्लाह ताला के सामने, अपने अल्लाह के सामने जो बादशाह भी है वो अपनी आजिज़ी, ह्यूमिलिटी आजिज़ी के मीनिंग्स में आता है. तो ये एक सिम्बोलिक मीनिंग था कि जब भी बादशाह उस, वो सिर्फ जो जगह थी जहाँ पे जंजीर लटकाई गई थी सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस था, और जब भी वहाँ से गुजरता था
یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے, چاہے وہ بادشاہ ہے, چاہے وہ پوری پورے استنبول کو یا سلطنت عثمانیہ کو رول اوور کر رہا ہے, بٹ انسٹیڈ آف دیٹ ہی از جسٹ چھوٹا سا بندہ ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے, اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہی دینا ہے. چاہے اس نے دنیا میں کسی کے سامنے جواب نہیں دینا, لیکن پھر بھی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب ضرور دینا ہے. موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی یہ کلاس. واٹ یو ہیو ٹو ڈو از ٹو رائٹ دا کوسچن, فرسٹ تھری کوسچنس, کیونکہ یہ تینوں کوسچنز آپ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کور ہو رہے ہیں. یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن دا فرسٹ تھری کوسچنس. آلسو ڈگریز آف ایڈوربز یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کا بک پہ ہی سالو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ آپ نے ڈگریز آف ایڈوربز کو اچھے سے پڑھ لینا ہے, یہ 7-8 کلاس میں آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے, پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے یو کین آسک می, آپ نے پوچھ لینا ہے مجھ سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد تھری کوسچنس کر لیے ہم نے, اور ساتھ میں آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو. اس کو پڑھ کے آپ نے سنس اور فور کا یوز آپ نے بتانا ہے. سنس اور فور کا یوز دیکھو, میں آپ کو ایک چیز ایگزیکٹ ٹائم بتایا گیا نا, جیسے 2 o'clock سنس منڈے, یہ جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اس کے لیے سنس یوز ہوتا ہے, ایگزیکٹ ٹائم کے لیے. اور جو ناٹ ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے, جیسے 2 دن, 4 دن, 4 ہفتے, 4 سال, 5 سال, 6 سال, 10 سال, ان سب کے لیے فور یوز ہوتا ہے, جس میں ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹ اور ٹائم اور ڈے نہیں پتا ہوتا. جس میں ایگزیکٹ متعین ٹائم بتایا گیا ہے, دیٹ از ویئر دا ایگزیکٹ ٹائم از گیون, دیٹ از وی یوز سنس فار دیٹ اینڈ وی یوز فار ناٹ ایگزیکٹ ٹائم, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اس طرح بھی ایکسپلین کر سکتے ہو جہاں پہ ڈیوریشن بتائی گئی ہے ٹائم کی, لائک فار 4 days, فار مینی ایئرز, فار مینی ڈیز, مینی ویکس, اس طرح کی ڈیوریشن بتائی گئی ہے, اس کے لیے آپ وہ یوز کرو. اور جو آپ کو ٹائم بتایا گیا ہے لائک منڈے, ٹیوزڈے, ڈیٹ اس میں بتائی گئی ہے, یا 1965 بتایا گیا ہے, اس کے لیے آپ سنس یوز کرو, اوکے. اس کو بھی آپ نے ریڈ کر لینا ہے جو آپ کی بک میں دیا گیا ہے آپ کو, اور آپ لوگوں نے سینٹینسز بنانے ہیں. سینٹینسز کے لیے میں آپ کو کل ایک اور چیز دوں گی کوسچنس کے ساتھ اور ریمیننگ کوسچنس کے ساتھ. ابھی آپ نے یہ والے یہ بک میں سالو کر لینا ہے, اور اس کے آپ نے سینٹینسز بنانے ہیں, 5 sentences یوزنگ دا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, کنٹینیوس ٹینس اینڈ کنورٹ ٹائم انٹو نیگیٹو. یہ آپ نے سینٹینسز بنانے ہیں. آپ نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو رہنے دو کیونکہ زیادہ ہو جائے گا کام. ابھی آپ لوگ یہ کرو, ڈگریز آف ایڈوربس, دین آپ لوگ یہ 3 questions کرو, ٹھیک ہے. آپ کو پھر سینینمز اور یہ سینینمز اور اینٹنمز والا آئی ول گیو دس ورک ٹو یو بائی ٹمورو انشاء اللہ. اوکے اسٹوڈنٹس, آئی ول اپلوڈ مائی نیکسٹ لیکچر بائی ٹمورو انشاء اللہ. ابھی آپ لوگ یہ کرو, کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اور آپ لوگوں نے یہ ٹرانسلیشن اچھے سے یاد کرنی ہے. اور ایک اور چیز یاد رکھو کہ ٹرانسلیشن یاد کرتے ہوئے آپ نے چنکس میں نہیں یاد کرنی, بلکہ ایک سینٹینس کی ٹرانسلیشن شوڈ بی ان اے سنگل سینٹینس, ایک سینٹینس میں ہونی چاہیے. تھوڑے پارٹس میں جا کے آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کرنی. جب آپ پارٹس میں کرتے ہو تو ایگزامینر آپ کے مارکس ڈیڈکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے پارٹس میں نہیں کرنی, بلکہ اس کو ایک ان اے ہول سینٹینس لکھنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, ٹیک کیئر آل آف یو اینڈ اللہ حافظ.